हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरी किचन यानी श्वेता की किचन में। आज मैं आपको क्रीमी पास्ता बनाना सिखाती हूँ जो बिल्कुल रेस्टोरेंट जैसा बनता है। उसके लिए हमें चाहिए पास्ता, ये लंबे वाले पास्ता आप कोई भी शेप के ले सकते हैं। और उसके लिए चाहिए हमें मैदा, ये मैंने 4 चम्मच लिया है। ये चाहिए मक्खन, ये भी 4 चम्मच है। उसके लिए चाहिए स्वीट कॉर्न, ये बारीक कटी हुई शिमला, ये बारीक कटी हुई हमें प्याज चाहिए, ये मैंने 1 प्याज ली है मीडियम साइज की। और ये बारीक कटी हुई गाजर, ये मैंने 1 ली है। और हमें चाहिए 1 कप दूध, ये मैंने बड़ा कप लिया है, आप 2 कप ले सकते हैं अगर छोटे कप है तो। आइए इसे बनाते हैं। फ्रेंड्स, ये मैंने कढ़ाई ले ली है, इसके अंदर मैंने पानी रखा हुआ है। अब इसको मैं अच्छे से गर्म करूंगी, ये गर्म हो जाएगा फिर इसके बाद मैं पास्ता डालूंगी इसके अंदर। फ्रेंड्स, ये पानी अच्छे से गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें 1 चम्मच नमक डालूंगी और आधी चम्मच में ऑयल डालूंगी और इसको अच्छे से मिला के फिर इसके अंदर मैं जो पास्ता थे वो डालूंगी, क्योंकि पास्ता में नमक वमक कुछ नहीं होता, कोई टेस्ट नहीं होता, इसलिए डाला है मैंने। और ये ऑयल इसलिए डाला है कि पास्ता चिपके ना। ये मैंने सारी चीज इसके अंदर मिला दी है। और ऑयल का आपको ध्यान रखना है कि ऑयल आधा चम्मच ही डालना है, ज्यादा नहीं डालना है, नहीं तो अगर ऑयल की कोटिंग इसके ऊपर ज्यादा हो जाएगी तो हमारी क्रीम वो इसके ऊपर कोट नहीं हो पाएगी। और इसको बीच बीच में इस तरीके से ऐसे चलाना है कि ये आपस में चिपके ना। और मैं इसको केवल 80% ही पकाऊंगी। आइए अब हम सब्जियों का फ्लेवर तैयार कर लेते हैं। मैंने एक नॉनस्टिक कढ़ाई ले ली है और मैं अब गैस ऑन करूंगी और इसके अंदर 1 चम्मच ऑयल डालूंगी। फ्रेंड्स, ऑयल अच्छे से गर्म हो चुका है, जो मैंने बारीक कटे हुए लहसुन रखे थे वो डालूंगी और 2 मिनट तक इसको अच्छे से पकाऊंगी। आप ऑयल की जगह मक्खन भी ले सकते हैं या ऑलिव ऑयल भी ले सकते हैं। ये देखिए, ये अच्छे से पक चुके हैं। अब जो बारीक कटे हुए प्याज थे मैं वो डालूंगी और इसको भी 2 मिनट के लिए पकाऊंगी। प्याज भी हो चुके हैं, हमें ज्यादा नहीं पकाने क्योंकि हमें इसको क्रीम के अंदर भी पकाना है, इसलिए थोड़ा थोड़ा ही मैं प्याज को पकाया है केवल 2 मिनट के लिए। अब ये शिमला मिर्च डालूंगी मैं बारीक कटी हुई। अब इसके बाद मैं गाजर डालूंगी। जरूरी नहीं है कि जो मैंने वेजिटेबल डाली है वही आप डालें, आप अपने मर्जी से भी डाल सकते हैं, आप इसमें कोई भी वेजिटेबल डाल सकते हैं। और अब मैं डालूंगी इसके अंदर स्वीट कॉर्न। अब डालूंगी आधा चम्मच नमक और आधी चम्मच काली मिर्ची पाउडर। फ्रेंड्स, ये देखिए सब्जियां मेरी अच्छे से पक चुकी हैं, ये केवल मैंने 2 मिनट ही पकाई हैं इनको। अब इसके बाद इसको मैं बंद करके और अपना पास्ता देखते हैं कि पास्ता हुआ है या नहीं। ये मैं कर रही हूँ गैस पर। फ्रेंड्स, ये देखिए पास्ता मेरा अच्छे से पक चुका है, केवल 80% ही पकाना था। अब मैं इसको छलनी में निकालूंगी और थोड़ा सा ठंडे पानी से वॉश कर दूंगी कि जो ये गर्माहट में ये और ज्यादा ना पक जाए। फ्रेंड्स, ये देखिए ये पास्ते को मैंने अच्छी तरह से ठंडे पानी में वॉश कर लिया है। ठंडे पानी में वॉश इसलिए किया है कि ये जो गरम गरम होते हैं तो ये और ज्यादा पक जाएंगे, इसलिए ठंडे पानी से मैंने वॉश कर लिया है।
अगर आप इनको थोड़ी देर से बना रहे हैं तो आप इसमें थोड़ा सा ऑयल मिला के रख सकते हैं कि ये आपस में ना चिपके, और अगर अभी बना रहे हैं तो इनको थोड़ा थोड़ा इस तरीके से हाथ पे कर दीजिए, इस पे चलनी पे कर दीजिए या फिर प्लेट में कर दीजिए। और आइए अब क्रीम बनाते हैं। फ्रेंड्स, ये मैंने एक पैन ले लिया है और गैस मैंने ऑन कर दी है। अब जो मक्खन था वो मैं इसके अंदर डालूंगी। ये मैंने मक्खन डाल लिया है और ये इसको अच्छे से गर्म होने दूंगी। और गैस का फ्लेम हमें मीडियम ही रखना है, ज्यादा हाई नहीं रखना है। फ्रेंड्स, ये देखिए मक्खन अच्छे से गर्म हो चुका है। अब जो मैंने मैदा ली थी वो इसके अंदर ऐड करूंगी और इसको अच्छे से चलाऊंगी और दोनों को मिक्स करूंगी। और फ्रेंड्स, इस बात का ध्यान रखना है कि आपने जितना मक्खन लिया है उतनी ही मैदा लेना, नहीं तो आपकी क्रीम है वो ठीक से नहीं बन पाएगी। और इसको अच्छे से चलाना है और भूनना है। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको अच्छे से मिला लिया है मक्खन के अंदर मैदा को। और इस बात का ध्यान रखना है कि गैस का फ्लेम बिल्कुल आप मीडियम ही रखें, ज्यादा हाई ना रखें। और जब ये मैदा होने लग जाएगी तो आपको इसकी खुशबू आने लग जाएगी। ये देखिए, इसको मैं 2 मिनट और पकाऊंगी अच्छे से। देखिए फ्रेंड्स, ये काफी अच्छी तरीके से भून चुका है, यानी मैदा हो चुकी है और इसकी खुशबू आना स्टार्ट हो गई है। और अब मैं इसमें दूध ऐड करूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, अब मैं इसमें धीरे धीरे दूध ऐड करूंगी, यानी थोड़ी थोड़ी मात्रा में ही करना है कि जिससे हमारे लम्स ना पड़े। इससे चलाऊंगी इसको और इसके सारे लम्स खत्म करूंगी। देखिए फ्रेंड्स, इसके सारे लम्स जा चुके हैं और इसी तरीके से मैंने इसको चला के सारे लम्स इसके हटा दिए। और अब मैं इसको सिर्फ 2 मिनट पकाऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, 2 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसके अंदर आधी चम्मच काली मिर्ची पाउडर डालूंगी और आधी चम्मच नमक डालूंगी और इसको अच्छे से मिक्स करूंगी। फ्रेंड्स, हमारी क्रीम देखने का एक तरीका है कि ये बनी है या नहीं बनी। इसका सबसे अच्छा तरीका मैं आपको बताती हूँ कि जो हमारी ये चम्मच है इसको हम इस तरीके से ऐसे कोट करके देख लें। अगर ये कोट हो रही है अच्छे से, इस तरीके से कोट हो रही है तो हमारी क्रीम बन चुकी है। अगर ये कोट नहीं हो रही है तो हमारी क्रीम नहीं बनी है। ये ज्यादा पतली नहीं होनी चाहिए और ना ज्यादा थिक होनी चाहिए, ये इसी तरीके से होनी चाहिए, यानी ये हमारी क्रीम बन चुकी है। ये देखिए, इस तरीके से ये कोट हो रही है। ये देखिए, अब मैं इसके अंदर वेजिटेबल डालूंगी जो मैंने बना के रखी हुई थी। ये देखिए, ये मैं सब्जियां ऐड कर रही हूँ इसके अंदर जो बना के तैयार रख रखी थी। अगर आपको लगे कि आपकी क्रीम ज्यादा गाढ़ी हो चुकी है तो आप उसमें दूध और ऐड कर सकते हैं। अब इसके बाद मैं इसमें पास्ता मिलाऊंगी। ये देखिए, मैं इसके अंदर ये पास्ता मिला रही हूँ। ये देखिए, पास्ता और वेजिटेबल अच्छी तरीके से मिल चुके हैं। अब मैं इसके अंदर फ्रेंड्स, ये देखिए, सब्जी और पास्ता काफी अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है और ये बन चुका है। अब मैं इसके अंदर चिली फ्लेक्स डालूंगी थोड़े से। और थोड़ी सी पिज्जा सिजलिंग डालूंगी और इसको अच्छे से मिक्स करूंगी। फ्रेंड्स, ये देखिए, हमारा क्रीमी पास्ता बन के तैयार है। अब मैं इसको सर्व करूंगी। फ्रेंड्स, ये देखिए, पास्ता बन के रेडी है। अब इसके ऊपर से थोड़ी सी चिली फ्लेक्स डालूंगी मैं और ये पिज्जा सीज़ली थोड़ी सी।
और ये देखिए ये बनके तैयार है। अगर आपको ये मेरा पास्ता पसंद आया तो प्लीज़ प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें।